Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Welcome back to our video link classes. And this is Ms. Sana, your home teacher. We are going to learn our social studies subject. And you know very well, we have done our syllabus. So we are coming to our revision. And our first topic is, let's go to the park. I'm going to read it. Adil and his family go to the park in their neighborhood every day. What it means? अच्छा, Adil और उसकी family एक park में जाते हैं daily. Every day means रोजाना. और वो park कहाँ पे था? In his neighborhood, उनके पड़ोस में. Adil अपने घर वालों के साथ रोज एक park में जाता है जो कि उनके पड़ोस में है. This park is lined with trees and lots of flowering plants. अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो पार्क कैसा है. उस पार्क में लाइन से, मतलब लंबी लंबी कतारें हैं किस चीज की? दरख्तों की. और बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं. बहुत अच्छे से जानते हैं उस द मीनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे. देयर आर स्लाइड्स, स्विंग्स एंड मंकी बार्स इन द पार्क. अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि जो है वो झूले हैं, स्लाइड्स हैं और मंकी बार्स हैं पार्क में. देयर इज ऑल्सो अ वॉकिंग ट्रैक वेयर आदिल्स पेरेंट्स वॉक. अच्छा, जैसे हम पार्क में जाते हैं, हमें कॉमनली एक रास्ता जाने का नजर आता है, ठीक है, जिसको हम वॉकिंग ट्रैक कह रहे हैं. तो इसी तरीके से हमारे लेसन में भी हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक था जहाँ से चल के आदिल के पेरेंट्स वॉक कर रहे थे, अंदर जा रहे थे. आदिल जॉइंस हिज फ्रेंड्स इन द पार्क. आदिल ने अपने दोस्तों के साथ शिरकत कर ली पार्क में. मतलब आदिल पार्क गया तो वहां पे उसको अपने दोस्त नजर आ गए और आदिल ने अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लिया. मतलब वो चला गया अपने दोस्तों के साथ. दे प्ले ऑन स्विंग्स एंड हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर. अच्छा, वो वहां पे झूलों पे खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं एक साथ. स्विंग्स झूले, प्ले खेलना और टुगेदर मीन्स एक साथ. तो वो वहां पे खेल रहे हैं झूलों पे और एक साथ बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं. सम चिल्ड्रन गो साइकिलिंग इन द पार्क. अच्छा, बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्क साइकिलिंग के लिए भी जाते हैं. साइकिलिंग मीन्स साइकिल चलाना. सम पीपल हैव अ पिकनिक इन द पार्क. अच्छा, कुछ बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिकनिक के लिए भी पार्क जाते हैं. फैमिली पीपल ऑल्सो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए भी पार्क जाते हैं. लेकिन यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि पार्क में हम कोई एक चीज करने नहीं जाते, पार्क भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. बच्चे वहाँ पे जाकर जो है वो बहुत मजे से खेल सकते हैं, झूले ले सकते हैं. फैमिलीज वहाँ पे पिकनिक्स के लिए जाती हैं और जो है वो बहुत से लोगों को वॉक की जरूरत होती है. वॉक हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है. तो बहुत से लोग वहाँ पे वॉक के लिए भी जाते हैं. आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू गो टू द पार्क विद योर पेरेंट्स एंड व्हाई. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग कभी पार्क गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ. और उसके बाद फिर पूछ रहे हैं व्हाई, क्यों. One day, Adil goes to the park with his friends. अच्छा, one day, एक दिन. Adil goes to the park. Adil park जाता है या Adil park गया with his friends, अपने दोस्तों के साथ. या जैसे हमें कोई गंदी चीज नजर आ जाती है, हमें बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है अंदर से, हम क्या करते हैं, या. There is water spread everywhere in the park. अच्छा, जैसे ही आदिल अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाते हैं, उसको हर जगह कचरा फैला हुआ नजर आता है, ठीक है. अब हमें अंदाजा हो रहा है कि उसने एंटर होते ही यक क्यों किया था, क्योंकि उसको हर जगह कचरा ही कचरा नजर आ रहा था. The park looks so messy. उसको पार्क कैसा नजर आया? बहुत ही ज्यादा गंदा नजर आया. Looks दिखाई दिया, messy, गंदा. It makes Adil and his friends sad. अच्छा, अब ये बता रहे हैं, ये सब देख के आदिल और उसके जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं. ये कंडीशन देख के आदिल और उसके दोस्त बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाते हैं. देयर टीचर हैज टोल्ड देम दैट दे शुड कीप द पार्क्स नीट एंड क्लीन. अच्छा, यहाँ पे वो अपने टीचर की एक बात बता रहे हैं. जैसे आप लोग भी अपने टीचर की बातों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, तो इसी तरीके से आदिल भी अपने टीचर की एक बात बता रहे हैं
कि उनकी टीचर ने उनको बताया था कि पार्ट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। पार्ट्स देखे हमारी कितनी जरूरत है, उसमें इस्तेमाल में आते हैं। हम खेलने के लिए भी पार्क जाते हैं, हम फैमिली पिकनिक के लिए भी पार्क जाते हैं, हमें वॉक करनी है तो भी हम पार्क जाते हैं, और फिर हम उसी जगह को गंदा भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो क्या बता रहे हैं, उनकी टीचर ने उनको बताया है कि पार्क को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। Okay, moving on, they pick up empty cans and bottles from the ground and put them into a dustbin. Now they are happy. अच्छा अब क्या बता रहे हैं कि आदिल क्या करते हैं, उनको जितने भी वहाँ पे खाली कैंस नजर आते हैं और बॉटल्स नजर आती है, वो तमाम वो जो है वो नीचे से फर्श से उठाता है एंड पुट देम इनटू अ डस्टबिन, और उनको डस्टबिन में डाल देता है। नाउ दे आर हैप्पी, अब वो खुश है। वो खुश क्यों है, जब वो पार्क में आया था तो वो सैड था, लेकिन जब वो पार्क से जा रहा है तो वो हैप्पी है। जब वो पार्क में आया था तो उसको पार्क बहुत ही ज्यादा गंदी कंडीशन में नजर आया था, लेकिन जब वो पार्क से जा रहे तो वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसने पार्क को साफ सुथरा बना दिया है, उसने अपनी टीचर की बात को मान लिया है। नाउ ही एंड हिज फ्रेंड्स आर हैप्पी, दैट्स इट। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंड होता है। काइंडली प्लीज सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 17th of April 2021. हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।